Assalamualaikum. This is your English instructor Aisha Liaquat and you are watching my channel Penetrable Knowledge. आज के वीडियो में हम बात करेंगे relative clauses से. Relative clauses और relative pronouns क्या होते हैं? Relative pronouns आपके पास ऐसे pronouns होते हैं जो कि noun और दूसरे words के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में आपको information provide करता है. ठीक है? जैसे कि आपके पास यहाँ पे words हैं who, that, which, whose, when, where and whom. इस सारे आपके पास relative pronoun हैं क्योंकि ये relate करने के लिए हम use करते हैं. ठीक है? यहाँ पे फिर relative clause मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि clause का मतलब होता है sentences. ठीक है? दो sentences को आप जो है relate करवा रहे हैं, आप उनके बारे में बताएंगे तो आपने कुछ ना कुछ एक word use करना है और वो word वहाँ पे pronoun होगा. कौन सा pronoun होगा? Relative pronoun होगा और वो use करके आपने अपने relative clauses बनाने हैं. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, मैंने सेंटेंस लिखा द बॉय हु स्टोल द बाइक इज एट द डोर. अब यहाँ पे जो ये वर्ड है ना हु, ये हु आपके पास क्या है? रिलेटिव क्लॉज शो कर रहा है. ठीक है? दो बातों को आपने यहाँ पे जोड़ दिया, दो चीजों को, डिफरेंट चीजों को आपने कनेक्ट कर दिया. सही? फिर यहाँ पे है हु द बॉय, मतलब ये जो हु है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है इसके बारे में. ठीक है? फिर यहाँ पे वर्ड है हुज, जो कि डब्ल्यू एच ओ और अपोस्ट्रोफी लगाकर हमने एस मेंशन किया है. इसको भी हम हूज पढ़ते हैं और डब्ल्यू एच ओ एस ई इसको भी हम हूज पढ़ते हैं. ठीक है? दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आपको इस तरह का हूज मिलेगा इट मीन्स कि आप बोल रहे हैं, या तो आप बोल रहे हैं कि हु इज या फिर आप बोल रहे हैं हु हैज. तो आप कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि आप जो है हु इज की बात कर रहे हैं या फिर हु हैज की बात कर रहे हैं? तो हु इज जो होगा इट मीन्स कि वहां पे उसके बाद आपने हूज के बाद आपको वर्ब के साथ आई एन जी मिलेगा. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हु इज गोइंग टू द बीच टुडे, मतलब हु इज गोइंग टू द बीच टुडे, कौन जा रहा है? फिर है हु इज फिनिश्ड द ईटिंग लंच. ठीक है? यहाँ पे क्या है? हु हैज फिनिश्ड ईटिंग लंच. अब यहाँ पे आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया है इसलिए यहाँ पे हु हैज फिनिश्ड ईटिंग लंच हो गया. फिर आपके पास है हुज, हुज आप यूज करते हैं बिलोंगिंग्स के लिए और व्हेन यू वांट टू से दैट समवन हैज समथिंग और व्हेन यू वांट टू शो अबाउट द पोजेशन और ओनरशिप के बारे में आप जब बात करें तब आप हुज को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हुज कैट एट माई पेट माउस, किसके बिली ने, किसकी कैट ने मेरा जो पेट माउस है वो खाया है. ठीक है? तो वहां पे आप कैट की बात कर रहे हैं, कैट के बारे में पूछ रहे हैं तो मतलब किसका है ये कैट, किसकी है वो बिली. फिर यहाँ पे हुज फोन इज दिस, और यहाँ पे भी आप बिलोंगिंग की बात करेंगे, ये फोन किसका है. ठीक है? ये किसकी ऑनरशिप है, ये किसकी ये चीज है, पोजेशन आप बता रहे हैं, तो वहां पे आपने यूज यूज किया. ठीक है? फिर आपके पास है विच, विच को आप यूज करते हैं टू टॉक अबाउट द थिंग एंड नेवर फॉर पीपल. कभी भी लोगों के लिए प्लीज विच यूज ना किया करें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेक दिस मिस्टेक कि वो लोगों के लिए विच यूज कर रहे हैं. ठीक है? विच हम यूज नहीं करते हैं रिलेटिव क्लॉजेस में लोगों के लिए. फिर है दैट, दैट कैन बी यूज फॉर पीपल एंड थिंग्स. दैट को आप लोगों के लिए भी यूज कर सकते हैं और चीजों के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं. देन वी हैव वेयर, वेयर आपको पता है कि आप प्लेसेस के बारे में या जगह के बारे में, पोजीशन के बारे में आप जब बता रहे हैं तब आप यूज करते हैं. देन वी हैव वेन, वेन टॉक्स अबाउट टाइम एक्सप्रेशन, जब आप स्पेसिफिक टाइम की बात करें तब आप वेन यूज करते हैं, वेन मीन्स कब. ठीक है? फिर है हुम, हुम इज ऑल्सो रिफर टू पीपल. नेक्स्ट वी हैव सम सेंटेंसेस ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो. यहाँ पे लिखा है जॉइन ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग यूजिंग हु, विच, वेयर एंड हुज. आपने ये वाले जो रिलेटिव क्लॉजेस है ना इनको कंप्लीट करना है. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा ही इज द प्लेयर डैश. अब आपने इसको कंप्लीट करना है यहाँ से सेंटेंसेस लेके. कैसे कंप्लीट करेंगे? ही इज द प्लेयर. अब कौन सा रिलेटिव क्लॉज यूज करेंगे उसको हम देखेंगे, लेकिन उसको कनेक्ट करने के लिए हमने कौन सा यहाँ से सेंटेंस उठाना है. आई सॉ द ड्रेस, took man to the moon, was number one, was a really slow song, या फिर scored the goal और arm was broken. अब यहाँ पे player की बात हो रही. ठीक है? तो इसलिए हमें पता चला कि भाई हम ये वाला जो sentence है ना इसको हम उसके साथ connect करेंगे, हमारा relative clause हमें मिल जाएगा. हम बोलेंगे he is the player who. अब यहाँ पे player किसी इंसान के बारे में, किसी लोगों के बारे में आप बात करें तो आपने वहाँ पे who use किया. He is the player who number one scored the goal. ठीक है? ये वो player है जिसने जो के मैन को मून पर लेकर गई थी. अब यहाँ पे आपने मेंशन करना है टू और यहाँ पे अपोलो एक चीज है. ठीक है? तो हम यूज कर सकते हैं दैट और विच, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं दोनों में से. फिर आपके पास वी वेंट टू द शॉप डैश वाज नंबर वन रियली सॉन्ग, नेक्स्ट सॉन्ग की तो यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही.
बात हो रही इसकी भी, आई सॉ द ड्रेस, ड्रेस हम कहाँ पे देखते हैं, शॉप में देखते हैं, तो वी वेंट टू द शॉप, ठीक है, फिर हम बोलेंगे वेयर, अब यहाँ पे बोल रहे हैं हम उस शॉप में गए थे जहाँ पे हमने ड्रेस देखा था, तो वहाँ पे आप पोजिशन की या जगह की बात करें, मीन्स वी हैव टू यूज वेयर. नेक्स्ट वन, द गर्ल डैश आर्म वॉज ब्रोकन, ठीक है, हम ये यूज करेंगे, द गर्ल हूज arm was broken is a friend of mine, ठीक है, सर से सेंटेंस कंप्लीट करेंगे हम यहाँ पे नंबर फोर, और यहाँ पे हम आई सॉ द ड्रेस हम नंबर थ्री करके कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट वी हैव हर लास्ट सॉन्ग डैश वॉज नंबर वन वॉज अ रियली स्लो सॉन्ग, ठीक है, हम बोलेंगे हर लास्ट सॉन्ग विच, ठीक है, विच वॉज नंबर वन, इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट कर लिया हम, ठीक है, आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट वी हैव कंप्लीट सेंटेंसेस बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउंस, यहां पे तीन सेंटेंसेस है, दिस इज द हॉस्पिटल दैट आई वाज बोर्न, अब यहां पे बता रहे हैं आप जहां पे मैं पैदा हुई थी ना ये वो हॉस्पिटल है, तो आप यहां पे हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, आप प्लेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बोलेंगे पोजीशन की बात कर रहे हैं, आप बोलेंगे वेयर आई वाज बोर्न, ठीक है, कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वन इज समर इज द सीजन डैश आई गो ऑन हॉलीडे, ठीक है, जब हम जाते हैं, व्हेन ही इज द कुक डैश मेड इटालियन पास्ता, ही इज द कुक हु मेड, ठीक है, हु मेड इटालियन पास्ता, तो आपका इस तरह से रिलेटिव क्लॉज का जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है, और अच्छे से अगर आप लोगों को समझना है और ज्यादा डिटेल में अगर आप लोगों को समझना है तो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं इसको और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हैप्पी लर्निंग.